गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ आता है, एक्सप्लेन दैट, शो दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ। इसका सीधा सा मीनिंग ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ है, यानी सेकंड के बेसिस पे हम लोग फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे थर्ड लॉ को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ ये क्वेश्चन कभी डिस्कस होता है कि एक्सप्लेन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, तो आप लोगों को यही कुछ बातें लिखनी है। देखिए, जब भी आप लोग अपने एग्जाम में लिखते हैं तो वहां भी ये सारी की सारी चीजें लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन जिन चीजों को हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, इन चीजों को लिखना बिल्कुल एसेंशियल होता है। ये आपको लिखना ही लिखना है, जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन है एज वेल एज जिन चीजों को हम लोगों ने डिफरेंट कलर के साथ में हाईलाइट किया हुआ है, उनको आपको जरूर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड लॉ हमारा रियल लॉ है या इसके बेसिस पे फर्स्ट लॉ को थर्ड लॉ को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये बात हम लोग यहां सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ है क्या, इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ के अंदर आता है। कैसे आता है ये बात जरा भी हम समझते हैं। सेकंड लॉ हम लोग जानते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाई एफ इक्वल टू एम ए। अब अगर मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मैं लिखूंगा एफ इक्वल टू जीरो, या मैं लिखूंगा एम इंटू ए इक्वल टू जीरो। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई बॉडी है, एब्स्ट्रैक्ट बॉडी है, तो उसका मास तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हम सब लोग जानते हैं। m can not be zero, therefore acceleration must be zero। तो कहीं ना कहीं इनर्शिया को ये बात एक्सप्लेन करता है कि भाई किसी बॉडी के अंदर इनर्शिया वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी के एक्सेलरेशन को, मोशन को गवर्न करती है। तो यहां हम लोगों ने सेकंड लॉ की हेल्प से ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सेकंड लॉ में अगर फोर्स मेरा जीरो है तो निश्चित रूप से मैं m into a को भी जीरो ही लिखूंगा, और मास जीरो नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये बात ट्रू है। और इसी तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई सेकंड लॉ से हम इनर्शिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। Then after, with the help of second law, we want to discuss about third law. Dear students, third law क्या है? देखिए, third law है हमारा action reaction का। थोड़ा सा mathematical work हम लोगों को यहाँ पे करना होगा इस चीज को समझने के लिए। मान लीजिए मेरे पास कोई ये दो body हैं। एक body ये है, दूसरी body ये है। एक body को मैंने नाम दिया A और दूसरी body को नाम दिया मैंने B। अब अगर मान लीजिए ये दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ में बच्चों क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो नो डाउट बॉडी ए जो है बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाती है, और बॉडी बी जो है वो बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाती है। अब अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो मैं यहां पर लिखता हूं फोर्स एक्सपीरियंस बाई ड्यू टू ए एफ बी ए, यानी इस बॉडी के ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है इसको मैं कहूंगा एफ बी ए, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बी ड्यू टू ए। इसको दूसरे तरीके से हमने यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेट एफ बी ए बी द फोर्स जिसको मैंने एक्शन नाम दे दिया है, एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, यानी ए एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, बी के ऊपर, यानी कौन फेस करेगा, कौन एक्सपीरियंस करेगा, बी एक्सपीरियंस करेगा, किसकी वजह से करेगा, ए की वजह से करेगा, तो इसको मैंने लिख दिया एफ बी ए। अब अगर मैं एफ बी ओ को ए को फर्दर डिफाइन करता हूं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज डी पी बी ओवर डी टी। भाई जिस बॉडी के ऊपर फोर्स एप्लीकेबल है नो डाउट उसी बॉडी का तो मोमेंटम चेंज होगा, तो बॉडी बी के ऊपर फोर्स एप्लीकेबल है तो इसके मोमेंटम में चेंज आएगा, वो मोमेंटम चेंज मैंने यहां लिख दिया डी पी बी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की तो डीपीवी ओवर डीडी, और इसी को बाई डेफिनेशन, डेफिनेशन कौन सी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, मैं क्या कहता हूं, फोर्स कहता हूं। बिल्कुल उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोग जरा इधर देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी कौन सी है, बॉडी ए है, इसके ऊपर ये जो बी बॉडी है ये फोर्स लगा रही है, तो मैं यहां लिख सकता हूं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए ड्यू टू बी, जिस चीज को मैंने आगे लिख रखा है। अब इस फोर्स को मैं अगर सेकेंड लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए ओवर टाइम या डीडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज टर्म्ड एज फोर्स, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ए बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा था, किसकी वजह से लग रहा था, बी बॉडी की वजह से लग रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ, ए बॉडी के मोमेंटम में चेंज हुआ, ए बॉडी के मोमेंटम में चेंज हुआ, तो मैंने इसको लिखा डीपीए, रेट ऑफ चेंज ऑफ को मैंने फोर्स कहा था, इसलिए मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को यहां पे अगेन फोर्स कह दिया। इस तरह से मैं ये देख सकता हूं कि एफ ए बी को मैंने इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ एज वेल एज एफ बी ए को मैंने इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। अब चूंकि इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये एक अलग बात है कि बॉडी ए बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, बी ए के ऊपर फोर्स लगा रही है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एज ए होल इन दोनों के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ऐसी स्थिति में डियर स्टूडेंट्स मैं लिख पाऊंगा एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज ऑफ नेट फोर्स जो है वो जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, ये प्लस का साइन है। अब बस यही से मेरा क्लियर हो जाता है कि अगर मेरा ये जीरो के बराबर है तो आई मे राइट हियर एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस का एफ बी ए। डियर स्टूडेंट्स यही तो एक्शन रिएक्शन है, यही तो एक्शन रिएक्शन है बच्चों, कि अगर ए बी को मैं रिएक्शन कह रहा हूं तो बी ए को मैं क्या कहूंगा, एक्शन कहूंगा। मैं इनमें से किसी भी एक बॉडी को, जनरली जो बॉडी मेरे नजदीक होती है, जिस बॉडी को मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करता हूं, जिस बॉडी को मैं कंसीडरेशन में ले रहा हूं, उसको मैं फर्स्ट बॉडी कहता हूं, और फर्स्ट बॉडी कहता हूं तो वो एक्शन करेगी, जो सामने वाली बॉडी होगी वो रिएक्शन करेगी। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि दो मित्र खड़े हुए हैं, अब उनमें से जो भी पहले बोलेगा दैट इज एक्शन, जो उसका जवाब देगा दैट इज रिएक्शन, सिंपल। अब दो फ्रेंड्स में कोई भी पहले बोल सकता है, तो जिसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं, जो हमारा पहले बोल रहा है या जिस बॉडी के ऊपर पहले एक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, जो बॉडी पहले एक्शन करती है दैट इज टर्म्ड एज एक्शन, और सेकंड बॉडी का रिएक्शन, तो यहां से एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए मुझे पता लग गया, यानी कि एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। किसके टर्म्स में आ गया, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में आ गया। यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया अलोंग विद डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स अब जो आगे है वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रखा है कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन बाहरी गेट करके भी मिलता है आपको कि एक्सप्लेन थर्ड लॉ इज अ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉ, या कई बार आपको मिलता है एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ इज अ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉ। तो देखिए थर्ड लॉ के लिए अलग एक्सप्लेनेशन हमने यहां रखा है, फर्स्ट लॉ के लिए अलग एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप उतना ही पोर्शन अपने एग्जाम में लिख के आएंगे। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स इस चीज को हमने आगे यहां पे मेंशन किया एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल्स टू, ये मोमेंटम के टर्म्स में लिख दिया, यहां पे हमने डी बाई डी टी को कॉमन ले लिया। अब एक्सटर्नल फोर्स की अगर एब्सेंस है जैसे मैंने कहा था, तो उस स्थिति में ये नेट फोर्स मेरा जीरो होगा, जीरो होगा तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल्स टू जीरो, या एक्शन इक्वल्स टू माइनस रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स ये माइनस का साइन जो है वो कहीं ना कहीं क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है डायरेक्शन को। एक्शन की अगर एक डायरेक्शन है तो रिएक्शन की डायरेक्शन एग्जैक्टली उसके अपोजिट होगी। इसके बाद में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन शुरू करने वाले हैं, दैट इज इंपल्स। देखो बच्चों किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, साफ फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, साहब ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन फोर्स लग कितनी देर रहा है हमने अभी तक ऐसी बात नहीं की। एग्जांपल के लिए आपने किसी को चांटा लगाया,
तो चांटा लगाने में आपने क्या किया, फोर्स लगाया, लेकिन कितनी देर के लिए, बहुत कम समय के लिए। अब दूसरी तरफ आप खेल रहे हैं और आप अपने उसी हाथ से अपने फ्रेंड को कंटिन्यूअसली धक्का देते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, तो वो भी फोर्स लगा रहे हैं। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, बस इसी बात को हमें समझना है इन द हेडिंग ऑफ इंपल्स। डियर स्टूडेंट्स, इंपल्स जो है वो क्या है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स का जो इफेक्ट है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम समय के लिए फोर्स का जो इफेक्ट है, दैट इज टर्म्ड एज इंपल्स। गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑर नॉट? अब चूंकि फोर्स लगाने से डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इसलिए हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कोई अगर एक फोर्स कंटिन्यूअस बहुत लंबे समय तक लग रहा है तो वो इंपल्स नहीं होगा, वो भी इंपल्स होगा, लेकिन उसको वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करने में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग जब इंपल्स को डिफाइन करते हैं तो नो डाउट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टाइम डीटी लिखते हैं। गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑन, जिससे कि डायरेक्शन का कोई चेंज ना आए। तो एफ इंटू टी भी इंपल्स है और एफ इंटू डी टी भी इंपल्स है, लेकिन एफ इंटू डी टी जो है वो मोर रिलायबल कॉन्सेप्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन शॉर्ट टाइम इज टर्म्ड एज इंपल्स, और सच टाइप फोर्स विच एक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम टर्म्ड एज इंपल्सिव फोर्स। अब यही हम दोनों चीजों को डिस्क्राइब करना चाहेंगे। आपने स्लैप किया, किसी को थप्पड़ मारा, एग्जैक्टली दैट इज इंपल्सिव फोर्स। लेकिन आप कंटिन्यूअसली अपने किसी फ्रेंड को या व्हाटएवर, सो किसी भी बच्चे को कंटिन्यूअसली धक्का दिए चले जा रहे हैं, दैट इज नॉट इंपल्सिव। कंटिन्यूअसली यानी लंबे समय के लिए फोर्स आपने लगाया तो इंपल्स ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन आप उसको इंपल्सिव फोर्स नहीं कह सकते। इंपल्स तो है, फोर्स इनटू टाइम है, बिल्कुल ठीक है, डायमेंशंस वही होंगी, यूनिट वही होंगी, लेकिन जब इंपल्सिव फोर्स की बात आएगी तो हम लोगों को यह बात समझनी होगी कि इंपल्सिव फोर्स के केस में जो हमारा लार्ज फोर्स है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही काम करना चाहिए। आगे हमने इसको डिफाइन किया, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज टर्म्ड एज इंपल्स। तो देखिए ये जो है कहीं ना कहीं फोर्स के इफेक्ट को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, मेजर करने के लिए नया कॉन्सेप्ट आया है। अब मैं इसको डियर स्टूडेंट्स लिखना चाहूंगा। मैंने अभी तक सेकंड लॉ में पढ़ा था एफ इक्वल्स टू डी पी ओवर डी टी, वेयर डी पी इज अ चेंज इन मोमेंटम, डी टी इज अ चेंज इन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज टर्म्ड एज फोर्स। अब अगर मैं इस डी टी को यहां ले आऊं तो ये हो जाएगा एफ इंटू डी टी इक्वल्स टू डी पी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑर नॉट? तो मैं इंपल्स को दूसरे टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम, किसी बॉडी के अंदर मोमेंटम में जो चेंज आया है, स्मॉल चेंज आया है। अगेन वी आर डिस्कसिंग हियर डीपी, इसका मतलब स्मॉल चेंज आया है। जो स्मॉल चेंज आया है तो उसकी वजह से जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने क्या कहा है, इंपल्स कहा है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं टोटल चेंज इन मोमेंटम, लेकिन ये टोटल चेंज इन मोमेंटम भी कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी मैं इसको क्या कहूंगा, इंपल्स कहूंगा। नो डाउट इंपल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो आई में राइट हियर आई, एग्जैक्टली चेंज इन मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हियर फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हेंस व्हाई इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर ये डी टी बड़ा है तो क्या हो सकता है, डायरेक्शन हमारी चेंज हो सकती है लंबे समय के दौरान। इसलिए हम लोग जब भी इंपल्स की बात करेंगे तो डीटी को छोटा कंसीडर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स इंपल्स को लेकर के, यहीं से इसकी यूनिट्स का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। जो चेंज इन मोमेंटम है वही मोमेंटम है, यानी जो मोमेंटम की यूनिट होगी, मोमेंटम की डायमेंशन होगी, वही तो चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन होगी, चेंज इन मोमेंटम की यूनिट होगी। अल्टीमेटली हम लोग यूनिट की बात करेंगे तो जो मोमेंटम की यूनिट है वही यूनिट होगी हमारी इंपल्स की। ये सारी की सारी बातें जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है फिर दोबारा से यहां पे लिखी हुई है डियर स्टूडेंट्स। तो नोट्स की फॉर्मेट आप लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। नो डाउट कुछ बच्चे यहां परेशान हो जाते हैं जब नोट्स की काउंटिंग को देखते हैं, नोट्स के पेजेस की काउंटिंग को देखते हैं, वो कहते हैं सर एक एक चैप्टर में 100-100 पेज है। अरे बच्चों ये 100-100 पेज नहीं है, ये स्पेशल नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ मोबाइल व्यू।
अगर आप इन नोट्सों को नॉर्मल व्यू में देखोगे, जब आपको ये नोट्स यहां से प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेंगे तो जो 100 पेज आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर नॉट मोर देन 25 पेजेस। तो एक चैप्टर 25 पेजेस तो बनता है। तो ये नोट्स तो आपको जानबूझ करके इनका साइज एनलार्ज करके बड़ा करके स्पेसिंग बढ़ा करके मोबाइल पे कॉम्पैक्टेबल हो, आपकी आईज में स्ट्रेस ना आए, इसलिए तैयार किए गए। तो ये 100 पेज 150 पेज को देख करके घबराओ मत। ये 100 पेज 150 पेज नहीं है, ये वही 25-30 पेज अराउंड है एक चैप्टर में, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी है। आप ये वही दर बात देखिए, न्यूमेरिकल्स भी है हर टॉपिक के बाद में। तो मैं नहीं समझता इससे ब्रीफिंग कुछ हो सकती है। अगर आप इससे भी ब्रीफ करना चाहते हो इट्स योर चॉइस। जहां जहां हमने हाईलाइट कर रखा है, जहां जहां हमने कलरफुल कॉन्सेप्ट दे रखा है, आप उन चीजों को यूज करते हुए और भी छोटा कर सकते हो। और जब सारा कुछ आ जाएगा तो किसी नोट्स की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ आपके ब्रेन के अंदर आ गया, सब कुछ दिमाग के अंदर आ गया, तो फिर अब नोट्स की जरूरत ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा चूंकि एनलार्ज फॉर्म है, मोबाइल व्यू फॉर्म है, इसलिए आप लोगों को नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा लग रहा है। चलिए, तो मैं अब बात करना चाहूंगा फर्दर इंपल्स को लेकर के। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था आई इक्वल्स टू एफ इंटू डी टी। अब देखिए यहां पे स्मॉल टाइम है तो नो डाउट इसको भी मेरे को डी आई ही लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए डी आई नहीं लिखते हम लोग, इसको आई ही लिखते हैं। लेकिन अब अगर मेरे को टोटल वैल्यू निकालनी है तो इसको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, इंडिकेट करना होगा कितने समय के लिए। ये लिमिट्स हमने प्लेस कर रखी हैं, T1 हमारा इनिशियल टाइम है, T2 हमारा फाइनल टाइम है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स को एवरेज फोर्स ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना T1 T2 अगर इनके बीच का गैप ज्यादा है तो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट बड़ा फोर्स लगा के रखना भी थोड़ा मुश्किल काम है। इट मे बी फोर्स बीच में चेंज हो रहा हो, तो कई सारे रीजन है जिनकी वजह से हम लोग डीटी को यहां पे बच्चों क्या लेते हैं, स्मॉल लेते हैं। तो देखिए अगर मैं एवरेज फोर्स की बात करता हूं तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, इंटीग्रेशन एफ ए बी इंटू डी टी। फोर्स मेरा यहां कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, डी टी को मैंने इंटीग्रेट किया तो टी आ गया। टी की लिमिट्स अगर मैंने प्लेस की दैट इज टी टू माइनस टी वन, तो यहां से मैं इंपल्स को लिख सकता हूं फोर्स एवरेज मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टाइम। अब देखो बच्चों यहां अंतर आ जाता है, ये मैंने यहां डी टी लिखा हुआ है और ये यहां पे डेल्टा टी लिखा हुआ है, दोनों ही यहां पे इंपल्स हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिस वन डेफिनेशन इज मोर करेक्ट देन दैट ऑफ दिस वन। डेफिनेशन दोनों ठीक है क्योंकि इंपल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने बताया कि दैट इज फोर्स इनटू टाइम, लेकिन टाइम मेरा कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये वाली जो डेफिनेशन है इंटीग्रल फॉर्म जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी है। चलिए अब इसके बाद में यही सारी चीजें हमने यहां पर रखी है। डायमेंशन की बात की तो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज अ सेम एज फॉर मोमेंटम। यूनिट की बात करूंगा तो अगेन मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो वही हमारी इंपल्स की यूनिट आएंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके एप्लीकेशंस का। तो एप्लीकेशंस में डिस्कस करूं उससे पहले एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है भाई, दो क्वांटिटी है हमारी, एक है फोर्स एक है टाइम। आई इक्वल्स टू मैंने पढ़ा था ना फोर्स इनटू डीटी। अब देखो इन दो क्वांटिटीज के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, एवरेज फोर्स लिया है तो कॉन्स्टेंट फोर्स होगा, मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। टाइम मैंने एक्स एक्सिस पे इसलिए लिया कि कंपेटिवली ये मोर रिलायबल है, या कॉज इफेक्ट की बात करते हैं तो टाइम को मैं कॉज की कैटेगरी में डाल सकता हूं, एफ को इफेक्ट की कैटेगरी में डाल सकता हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों टाइम और फोर्स के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये एरिया एक मेरे को जो मिल रहा है वो किससे मिलेगा, फोर्स इनटू टाइम से मिलेगा या चेंज इन टाइम से मिलेगा। आप चेंज इन फोर्स तो कह नहीं सकते क्योंकि फोर्स तो मेरा कॉन्स्टेंट है। तो ये एरिया क्या डिनोट करेगा, ये एरिया डिनोट करेगा आई। हम लोगों ने यहां से क्या सीखा, हम लोगों ने सिर्फ एक छोटी सी बात सीखी कि अगर मेरा फोर्स और टाइम के बीच में है तो एरिया कवर्ड अंडर ग्राफ विल प्रोवाइड अस इंपल्स। ये जो मेरे पास फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ है इसके अंदर जो एरिया कवर होगा ये एरिया क्या डिनोट करेगा, ये एरिया डिनोट करेगा किसको, इंपल्स को। दैट इज द कॉन्सेप्ट। Getting the concept or not? तो बच्चों ये चीज हमारी भी, अब देखो यहाँ स्केलर वेक्टर का बड़ा फंडा सा, मल्टीप्लीकेशन में स्केलर वेक्टर लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना है, फोर्स मेरा वेक्टर है, इंपल्स मेरा वेक्टर है, लेकिन
टाइम तो मेरा कैसा है, स्केलर है, तो यहां पे स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारी क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मेरे को इंपल्स की भी मिलेगी। अब मान लीजिए फोर्स मेरा रिटार्डेड है, रिटार्डेड अगर माइनस का साइन फोर्स के आगे मैं लगाता हूं तो उस स्थिति में इंपल्स भी मेरा विद नेगेटिव साइन होगा। दैट इज द कांसेप्ट। इस चीज को मैं थोड़ा सा और भी एलोबरेट कर देना चाहता हूं। मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है और इसके ऊपर फोर्स मैंने ये लगाया, लेकिन ये फोर्स जो है वो रिटार्डेड फोर्स है। कैसा रिटार्डेड फोर्स है? फोर्स की वैल्यू कंपैरेटिवली क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, या इस बॉडी के मोशन को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं इसके आगे एक माइनस का साइन लगाता हूं, तो वो माइनस का साइन अगर यहां पे आएगा तो यहां पे भी आएगा। इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी की बात है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की लड़ाई है। इंग्लिश की लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स को फिजिक्स से कंपेयर करने लगे तो वो कभी भी नहीं पढ़ सकता। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज और फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट। तो बेटा लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में तो बहुत बड़ा अंतर होता है। ये गलत बात है कि दोनों ही 100 मार्क्स के आप लोगों के एग्जाम में आने हैं, लेकिन अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर 100% आपके यहाँ क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंपल्स। देखो बच्चों, मास लाना और फिजिक्स पढ़ना दोनों चीजें डिफरेंट। देखिए एग्जांपल आपका आता है, आप सीधे सीधे दे आओगे, ये भी नहीं जानते इंपल्स क्या होता है, आपने एरिया भी नहीं पढ़ा, आपने डेरिवेशन भी नहीं किया, फिर भी मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इन एग्जाम्पल के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल तो तभी सॉल्व होगा जब हम लोगों ने ऊपर वाला सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। चलिए सबसे पहला आता है क्या हमारा कॉन्सेप्ट इंपल्स का, F1T1 मल्टीप्लाई F1T1 इक्वल्स टू F2T2। मान लीजिए एक सिनेरियो में लेता हूं, एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स F1 को मैंने T1 के लिए अप्लाई किया। अब मैंने क्या किया, यहां से इंपल्स निकाला, I आ गया, तो कीपिंग इंपल्स कांस्टेंट, इंपल्स को मैंने कांस्टेंट रखा, तो अब ऐसी स्थिति में इसी बॉडी के ऊपर फोर्स मैंने F1 ना लगा कर क्या लगा दिया, F2 लगा दिया। F2 की वैल्यू मान लीजिए कम है तो ऑब्वियसली जो टाइम T2 होगा वो ज्यादा होगा। मैं इसको एक दूसरी फॉर्म में लिख देता हूं, दैट इज F1 upon F2 इक्वल्स टू T2 over T1। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बॉडी के ऊपर इंपल्स कांस्टेंट है, इंपल्स कांस्टेंट का मतलब चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है। अब चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट कैसे होता है ये बात भी समझ लीजिए। एक बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल आएगा, मैं पहले उसको ले लेता हूं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और किसी ने सिक्सर लगाया, किसी भी आपके प्लेयर ने सिक्सर लगाया। अब अगर दो प्लेयर्स के बीच में वो सिक्सर वाली बॉल आती है, मान लीजिए प्लेयर ए उसको कैच करता है, तो फाइनली बॉल की स्पीड जीरो होगी, बॉल का मास जो था वही रहेगा, इनिशियल बॉल की वेलोसिटी जो थी वही रहेगी। अब उसी बॉल के लिए, उसी सिक्सर के लिए मान लीजिए प्लेयर बी कैच लेता है तो फाइनल वेलोसिटी अगेन जीरो रहेगी, बॉल का मास वही रहेगा। इसका मतलब चाहे प्लेयर ए कैच ले या प्लेयर बी कैच ले, दोनों ही स्थितियों में जो चेंज इन मोमेंटम है बॉल का वो कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब होता क्या है, प्लेयर ए जो है वो नया खिलाड़ी है, तो क्या करता है वो अपने हाथ को नीचे से ऊपर ऐसे ले जाता है कैच लेने के लिए। तो जरा देखिए, बॉल ऊपर से आ रही थी नीचे और आप हाथ ले गए ऊपर, जो ड्यूरेशन है वो कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी। जो इंपैक्ट की ड्यूरेशन है वो स्मॉल टाइम के लिए होगी। अल्टीमेटली फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो जो बॉल आ रही थी उस प्लेयर के हाथ को जरूर तोड़ देगी। अब दूसरा प्लेयर भी है, बॉल वही है, लेकिन वो कैच को लेता है ऐसे ऊपर से नीचे। अब क्या होगा, जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है बढ़ गया, जब टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ गया तो ऑब्वियसली इस रिलेशन से फोर्स कम हो गया। जब फोर्स कम हो गया
तो प्लेयर बी जो कि होशियार है, पहले से खेलता चला आ रहा है, फिजिक्स पढ़ रखी है, उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी। और जो प्लेयर ए है जो उल्टा कैच लेता है, ऐसे ऊपर की तरफ हाथ बढ़ा करके कैच लेता है, उसके हाथ में चोट लग जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंपल्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो बॉल को कैच करने वाला है। एक ही बॉल है, दो अलग अलग प्लेयर अलग अलग तरीके से कैच करते हैं, एक का टाइम ऑफ इंपैक्ट ज्यादा है, दूसरे का टाइम ऑफ इंपैक्ट कम है, उसके रेसिप्रोकल में फोर्स ऑफ इंपैक्ट ज्यादा या कम होंगे, जिसकी वजह से प्लेयर को हार्म हो सकता है। चलिए अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट एक दूसरा हम एग्जांपल लेके चलते हैं चाइना वेयर्स का। चाइना वेयर्स क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन। जब आप इनको ट्रांसपोर्ट करते हो, मान लो किसी का ट्रांसफर हो गया, अब चाइना वेयर या किचन के जो कांच के बर्तन है उनको ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको पहले वार्प करते हैं। किसके अंदर? या तो न्यूज़पेपर के अंदर, या तो गत्ते के अंदर, या तो कॉटन के अंदर। उनको वार्प करने के पीछे रीजन ये रहता है कि जब वो आपस में टकराएंगे, कब टकराएंगे, ट्रक के अंदर रखे होंगे, कभी ट्रक वाला ब्रेक लगाएगा, कभी एक्सीलरेशन लेगा, तो ये आपस में टकराएंगे तो बीच में जो हमने यहाँ पे गत्ता डाला हुआ है, पेपर डाला हुआ है, स्ट्रॉ पेपर डाला हुआ है, उसके वजह से टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, इंपल्स हमारा उतना ही रहेगा। इंपल्स तो जो क्रिकेट की बॉल थी उसकी वजह से कॉन्स्टेंट ही रहना है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम तो कॉन्स्टेंट ही रहना है, लेकिन टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ने से जो इफेक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा और इनके आपस में टकरा करके टूटने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट्स अ कॉन्सेप्ट। इसी तरह से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ए पर्सन फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक किसी फ्लोर पे ऐसे ही खड़े हुए हैं और दोनों जो है फ्लोर से ग्राउंड पे कूदते हैं। अब एक दोस्त होशियार है तो वो एक ऐसी जगह चूज करता है जहां पे सैंड पड़ी हुई है, जहां पे मिट्टी कच्ची है, रॉ मिट्टी सॉइल है, या मान लीजिए कीचड़ है, हो सकता है उसके हाथ पैर गंदे हो जाए लेकिन कीचड़ है। एक दूसरा बच्चा है जिसको इंपैक्ट के बारे में पता नहीं है, इंपल्स के बारे में पता नहीं है, जिसको चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, वो हार्ड फ्लोर पे जहां मिट्टी मजबूत वाली है या फ्लोर हमारा जो है सीमेंटेड बना हुआ उसके ऊपर कूद जाता है। नो डाउट जब ऊपर से नीचे कूदेंगे तो चेंज इन मोमेंटम दोनों का सेम होगा, लेकिन जो मड में कूद रहा है, जो सॉइल में कूद रहा है, जो सैंड में कूद रहा है, उसका जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है वो ज्यादा होगा। जब टाइम ऑफ इंपैक्ट ज्यादा होगा तो इफेक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स कम हो जाएगा तो उसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे। और जो बच्चा हार्ड सरफेस पे कूदा था उसका टाइम ऑफ इंपैक्ट कम होगा, अल्टीमेटली इफेक्टिव फोर्स ज्यादा होगा और पक्का उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर होना ही होना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। अब कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहां ले सकते हैं, तीन एग्जांपल तो हो ही गए, एक एग्जांपल क्रिकेट की बॉल का बता दिया मैंने आप लोगों को, एक आपको ये हीप ऑफ सैंड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, दैट इज ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है बच्चों कार, बस, ट्रक, आपने देखा होगा। इन सब के अंदर शॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या प्रोवाइड किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, शॉक। आपकी स्कूटी में, आपकी कार में, बस में, सब में शॉकर्स होते हैं। इवन दैट जितनी लग्जरी गाड़ियां होती हैं उनके शॉकर्स उतने ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो शॉकर में क्या होता है, ये एक इस तरह से स्प्रिंग लगी होती है। अब स्प्रिंग के ऊपर हमारी यहाँ पे पूरी बॉडी है, मान लीजिए ये मैं एक मोटरसाइकिल का सिनेरियो बना देता हूँ, तो ये मोटरसाइकिल है, इस सीट यहाँ पे है, बच्चा यहाँ पे बैठता है, बंदा हमारा यहाँ पे बैठता है पैर लटका करके, ठीक है। जैसे ही कोई माउंट आता है या बम्प आता है, कोई गड्ढा आता है, स्पीड ब्रेकर आता है, तो क्या होता है, हमारी जो मोटरसाइकिल है और बॉडी है वो दोनों ही नीचे जाती है। ये शॉकर्स क्या करते हैं, ये नीचे आने में कंपैरेटिवली टाइम लगा देते हैं, बिकॉज ऑफ इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है या स्प्रिंग की जो एबिलिटी है वो इसको ऊपर रखने की कोशिश करती है। अल्टीमेटली जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है वो बढ़ जाता है, टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाता है तो फोर्स हमारा रिड्यूस हो जाता है, और जब फोर्स रिड्यूस हो जाएगा तो हमें जो जर्क है, हमें जो झटके हैं वो कंपैरेटिवली कम लगेंगे। आपने कभी महसूस किया हो, एक जो नॉर्मल साइकिल आती है बिना शॉकर वाली, जब आप उसको चलाते हो और एक शॉकर वाली साइकिल को चलाते हो, तो
दोनों में डिफरेंस आप महसूस करते हो। जो बिना शॉकर वाली साइकिल है उस पे आपको बहुत सारे जर्क लगते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा जर्क लगते हैं, और जो शॉकर वाली साइकिल आप चलाते हो उस पे जर्क कंपैरेटिवली कम लगते हैं। तो ये जर्क जो है हमारे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कहां से, इंपल्स के कॉन्सेप्ट से। अगेन बच्चों ध्यान रहे, इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, और किसी भी इवेंट में चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं यहां दो अलग अलग सिचुएशंस की, जिनको मैंने अभी लिखा था F1 upon F2 equals to T2 over T1, यहां F1 T1 equals to F2 T2equals to क्या था, DP था। तो बच्चों अगर मेरा टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ रहा है तो इफेक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, यही मैंने यहां पे किया है, टाइम ऑफ इंपैक्ट को बढ़ाया है तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो गया, जिसकी वजह से मेरे को झटके कम लगा है। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बफर्स, देखिए शॉकर जनरली यहां वर्टिकल लगा होता है। जब हम ट्रेन की बॉगियों को देखते हैं, ट्रेन के कोचेस को देखते हैं या ट्रेन के डब्बे को देखते हैं, तो जहां ये जुड़े होते हैं ट्रेन के डब्बे, तो वहां पे ये शॉकर जैसी ही स्ट्रक्चर लगी होती है। ये शॉकर जैसी स्ट्रक्चर क्या करेगी, जब भी ड्राइवर हमारा ब्रेक लगाएगा तो पीछे वाले डब्बे ड्यू टू मोमेंटम क्या आएंगे, इसमें आकर के टकराएंगे, टकराएंगे तो जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है उसको ये शॉकर्स या बफर्स जिनको हम लोग बोलते हैं वो टाइम ऑफ इंपैक्ट को बढ़ा देते हैं, और जो टाइम ऑफ इंपैक्ट को बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली जो फोर्स है वो कम इफेक्टिव होता है। क्रिकेट प्लेयर का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इन्हीं चार पांच एग्जाम्पल्स में से आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और एग्जाम तो बाकी चीज है लेकिन स्टूडेंट्स आप इस कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में बहुत ही यूज करते हो। चलिए अब मैं आगे बात करना चाहूंगा एज यूजुअल न्यूमेरिकल की। स्टूडेंट्स जब तक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता तब तक हम कह ही नहीं सकते कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया या नहीं आ गया। मोस्टली पेरेंट्स और बच्चों का एक ही क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है कि सर बच्चे को थ्योरी तो आती है न्यूमेरिकल नहीं आते। कब, जब एग्जाम सिर पे होता है, शुरू से तो बच्चे मजे ले रहे होते हैं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल देखते ही नहीं है क्योंकि फिजिक्स को आसान बनाना है तो न्यूमेरिकल पोर्शन हटा दो, जैसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन हटाओगे फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन भैया एग्जाम में तो न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं, एज वेल एज जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें तो 90% न्यूमेरिकल ही होते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं तो बेकार है फिजिक्स पढ़ना। तो बच्चों हर कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल्स हमें करने ही चाहिए। न्यूमेरिकल आ गया इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए देखते क्या है, ए रबर बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। तो आप यहां सबसे पहले लिखेंगे मास इक्वल्स टू 50 ग्राम, इसका SI सिस्टम का कन्वर्जन दे देंगे -3 किलोग्राम। सबसे पहला काम आपने ये लिखा, फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर, हाइट जो है वो 1 मीटर है SI सिस्टम में तो कुछ नया सोचना नहीं है, एंड रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर। सिचुएशन वैसे तो डायग्राम यहां दे रखा है लेकिन मैं बना देता हूं, एक बॉल है नीचे गिरती है सरफेस पर टकराती है 1 मीटर हाइट से, और इसका मास भी दे रखा है, ये मास है। अब यहां टकराने के बाद ये बॉल रिबाउंड होती है, आप खेलते भी हैं जनरली ऐसा होता है, रिबाउंड होती है तो 0.5 मीटर तक जाती है, ऐसा उसने यहां पे कह रखा है। फाइंड द इंपल्स एंड चेंज इन एवरेज फोर्स, जब ये यहां टकरा करके वापस लौटेगी तो ऑब्वियस है यहां पे चेंज इन मोमेंटम होगा, इसी चेंज इन मोमेंटम को आप क्या कहते हो भैया, इंपल्स कहते हो, यही तो पूछ रहा है वो, बोलो। एंड ग्राउंड इफ टाइम फॉर विच दे आर इन कॉन्टेक्ट 0.1 सेकेंड, यानी जिस समय वो टकरा रही है तो टकराते समय का जो चेंज इन टाइम है जिसको डेल्टा टी कहते हो या डी टी कहते हो वो कितना है, 0.1 सेकेंड है। मैं समझता हूं बच्चों क्वेश्चन समय में आ गया, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की हमें जरूरत पड़ेगी। अरे भैया 1 मीटर की हाइट से गिरेगी तो यहां वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी, अब जिस वेलोसिटी से ये टकराएगी उससे कुछ कम वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगी, डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही रही है, ये कैसे पता लगा, बड़ी सिंपल सी बात है, जिस वेलोसिटी से टकराई थी अगर उसी वेलोसिटी से वापस जाती तो उसी हाइट तक जाती ना, उस हाइट तक तो जाने नहीं,
इसका मतलब देखो मास तो चेंज हुआ नहीं है, मास तो पहले बॉल का जितना था उतना ही बाद में भी है। तो बच्चों एक वेलोसिटी से सपोज v1 से वो नीचे आके टकराएगी और v2 से ऊपर जाएगी, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुआ। चेंज इन वेलोसिटी के इसके मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया तो इंपल्स आ गया। इंपल्स को आप लोग f(dt) लिखते हो, इंपल्स आपने यहां से निकाल दिया, फोर्स आपको निकालना है, dt आपको दे रखा है 0.1 सेकंड, तो एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो या नहीं, बड़ा आसान सा तरीका। सिनेरियो आपके दिमाग में आया, ऊपर कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया उससे आपके पास फॉर्मूले हैं, जानबूझ के आपने सीधे से सारे फॉर्मूले लिख लिए, i = dp = f(dt). dp को एलोबरेट कर लिया, mv final - mv initial, यही तो चेंज इन मोमेंटम है बच्चों, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आप इसको यहां से ले सकते हो mv2 (final velocity) - v1 (initial velocity). अब इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है जिससे ये नीचे आके टकरा रहा है, फाइनल वेलोसिटी कौन सी है जिससे ये ऊपर जा रहा है, मास दे रखा है, डीटी दे रखा है, सब कुछ आपके पास निकल दिया जाएगा। अगेन आप क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ो और करने की कोशिश करो, फॉर्मूला एक ही है। डियर स्टूडेंट्स अभी तो यहां बच्चा एक गलती और करता है, पता है क्या करता है, वो कहता है 1 मीटर ऊपर से गिर रही है और 0.5 मीटर ऊपर जा रही है, यानी हाइट में आधा आधा हो गया, 1 मीटर का आधा हो गया, तो वेलोसिटी भी जिससे टकराएगी उसकी आधी हो जाएगी। ऐसा नहीं है बच्चों, नो डाउट कहीं ना कहीं हम लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट ही करनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है वो बात मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लिए, जो मैंने समझाया उसको समझने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये बात समझा। आई होप तो आपको ये दिख गया होगा, और अब जो है मैं निश्चित रूप से थोड़ा आगे बढ़ता हूं और इस डायग्राम के ऊपर चीजों को निकालने की कोशिश करता हूं। ये देखिए डायग्राम यही वाला यूज कर लेते हैं हम लोग और चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या क्या टारगेट थे मेरे, मेरे को यहां पे वेलोसिटी v1 निकालना था टकराते समय, वापस जाते समय वेलोसिटी v2 निकालना था, फिर मेरे को चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v = v2 - v1 करना था, इसको मेरे को मास से मल्टीप्लाई करना था जिससे कि चेंज इन मोमेंटम मेरे को मिल जाए, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा तो इंपल्स मिल जाएगा, फाइनली मेरे को इस इंपल्स को f (Δt) के बराबर डालना था, सारा काम मेरा हो जाना था। अब मैं पहले कैलकुलेशन करता हूं v1 की। डियर स्टूडेंट्स यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगा सकते हो या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस, दोनों में से जो भी तरीका यूज करना चाहो। मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बताता हूं क्योंकि मैंने जो डेरिवेशन यहां पर नीचे जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो इक्वेशन से दे रखा है, तो आपका मन है दोनों में से कोई भी यूज कर लेना। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh, यहां टकराते समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ½mv² v1 दे रखा है तो v1 ले लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि यहां पे जो एनर्जी है वो इस एनर्जी के बराबर होगी, यहां काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मैंने इस चीज को डाल दिया mgh = ½mv² m से m कैंसिल आउट हो गया, v² = क्या gh √ यानी v = मेरे पास √gh आ गया। g मेरे पास 9.8 है या 10 है और h मेरे को 1 दे रखा है। इस तरीके से मैं v1 वेलोसिटी को क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अब जरा इस सिनेरियो को देखिए, यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ½mv² यही काइनेटिक एनर्जी तो यहां पे यहां पे mgh के बराबर कन्वर्ट होनी है, लेकिन इस केस में हाइट अलग है तो मैं यहां पे h2 ले लेता हूं, तो mgh2 को ½mv² के बराबर डालूंगा तो मेरे को यहां से अगेन m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूले से मेरे को v2 मिल जाएगा,
लेकिन जब मैं v2 की बात करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स ये आएगा स्क्वायर रूट जी एच टू। एच टू 50 सेंटीमीटर डालनी है और एच वन मेरे को 1 मीटर डालनी है, ये अंतर करना है। इस तरह से मेरे को v1 v2 दोनों कंप्यूट हो जाएंगे, मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, वही मेरा इंपल्स है और इस इंपल्स को फोर्स इंटू डेल्टा टी के बराबर प्लेस करूंगा। डेल्टा टी मुझे दे रखा है तो जो सेकंड आंसर में एवरेज फोर्स पूछा था वो भी निकल के आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन दे रखी है। अब कोई स्टूडेंट कहता है जी मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाना चाहता, भैया मत लगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ले, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहां से इस समय चला था इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ये क्या है 2as, a हो जाएगा मेरा g के बराबर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और जो s है वो हो जाएगा हाइट के बराबर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट डालोगे, यहां से आंसर निकालोगे। आई होप सो आप लोगों को क्लियरली मिल जाएगा। तो एक बार देख लीजिए दोनों तरीके से, आपके पास नोट्स में प्रिंटेड फॉर्मेट में है ही। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन को करने के 25 तरीके हो सकते हैं। अगर मुझे 25 के 25 आते हैं तो फिर मुझे ये सोचना होगा कि कौन सा मेरा तरीका है जिससे कि आसानी से मैं क्वेश्चन को रिपेंड कर पाऊं। तो ये सारी चीजें मैंने डाली हैं। एक बात यहाँ एम्फेसाइज ये करनी है बच्चों कि जो MV2 माइनस MV1 था, यहाँ पे V और U से हमने ड्रॉप कर रखा है, ये जो एक एडिशनल माइनस का साइन आ रहा है, ये वाला एक एडिशनल जो माइनस का साइन आ रहा है, इसके पीछे रीजन है क्या? चेंज इन डायरेक्शन। वो क्या रहा था डियर स्टूडेंट्स? वो ये रहा था कि पहले बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी फिर नीचे से ऊपर जा रही थी, इसलिए ये माइनस का साइन आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये आंसर आप यहां से निकाल के दे देंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग और डिस्कस करते हैं, इसके बाद आज की क्लास को ओवर करेंगे। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है। A ball moving with a momentum of 5 kilogram meter per second. मैं इसको P1 कह देता हूं, पहला momentum है तो मैंने इसको P1 equals to क्या लिख दिया 5 लिख दिया। Strikes against a ball at an angle 45 degree. डायग्राम मेरे को दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो घर बनाया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये बॉल है जिसका momentum ये है। अब बॉल दीवार से, देखिए ये बॉल और ये बॉल, स्पेलिंग तो अंतर पता है ना, कभी दोनों को एक जैसा समझ लो। ये वॉल क्या है? दीवार है। चलो जी यहां पे दीवार बना देते हैं, ये दीवार है जी, ये दीवार बना दीजिए, ठीक है। अब इससे ये बॉल टकराई है, कितने एंगल पे? 45 पे। देखो 45 डिग्री से टकराने का मतलब ऐसे नहीं टकराई है, ये बॉल और ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। जनरली वो एंगल बॉल के साथ देता है तो आपको ये एंगल देना है, कई बार वो इस एंगल को दीवार के साथ न दे करके जो नॉर्मल टू सरफेस है, ये नॉर्मल टू सरफेस होगा, नॉर्मल टू सरफेस के साथ में दे देता है। तो बच्चों ध्यान से यहां पे देखना है कि एंगल किस किस के बीच में दे रखा है, यहां तो दीवार के साथ दे रखा है तो 45 कह दिया, ठीक है। अब क्या होगा जी, एंड इज रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, जो रिफ्लेक्ट होती है वो भी दीवार के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या पूछता है? कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों इनिशियल मोमेंटम 5 है, ठीक है, फाइनल मोमेंटम P2 मेरे को निकालना है, नो डाउट निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों देखने में जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान ये है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यार रेवोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना पड़ेगा, मोमेंटम अपने आप में क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं इस मोमेंटम को थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि मेरा एक ऐसी बॉडी है जिसका मास जो है वो 1 है, मास 1 है तो मोमेंटम क्या होता है? मेरा मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब मास को अगर मैंने 1 ले लिया तो वेलोसिटी मेरी उतनी ही हो गई जितनी की मोमेंटम है। तो सिर्फ समझने के लिए मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि इसका मास यूनिटी है, लिखना नहीं है मुझे कहीं भी, क्यों उसने ना तो मास मेरे से पूछा है ना मेरे को कहीं चाहिए। तो मैं मोमेंटम को रिप्लेस कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी के साथ, मास को यूनिटी दिमाग में कंसीडर करते हुए। तो देखो बच्चों
मान लीजिए फाइव जो है यहां पे क्या है, वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी जब इससे टकराएगी तो नो डाउट इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस वाली वेलोसिटी का होगा यहां पे और एक कंपोनेंट इस वाली वेलोसिटी का होगा कहां पे, यहां पे। आप ऐसे मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको आपने आगे ले लिया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आगे ले लिया, ये वेलोसिटी वी है। अब इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑर नॉट। ये वाला एंगल 45 डिग्री एंगल ही होगा, देखिए। तो जो ये वेलोसिटी वी थी, इसका जो यहां पे कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये आएगा वी कॉस 45 और यहां कंपोनेंट आएगा वी साइन 45। जब दो कंपोनेंट आ गए तो ये वेलोसिटी मेरी यहां से खत्म, ये वेलोसिटी यहां से खत्म। अब मुझे मतलब है वी कॉस 45 से एज वेल एज वी साइन 45 से। अब जरा जाते समय की बात कर लीजिए, जब जाते समय की आप बात करेंगे तो अगेन जो वेलोसिटी आपके पास में है उस वेलोसिटी को फर्दर आपने रिजॉल्व करना होगा। ये जो वेलोसिटी P2 वाली या V2 वाली है, इसके फर्दर दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहां पे होगा डियर स्टूडेंट्स और एक कंपोनेंट यहां पे होगा। जो यहां कंपोनेंट होगा इसको मैं लिख सकता हूं V2 cos of 45 अगेन, ये एंगल दे रखा है मेरे को, और यहां पे होगा V2 sin of 45। अब जरा देखो बच्चों, जो नीचे की तरफ वेलोसिटी है पहली और दूसरी वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है, 45 यहां है 45 यहां, इसका मतलब यहां तो कोई मोमेंटम में चेंज हो ही नहीं रहा, लेकिन यहां मोमेंटम में चेंज आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आने वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी और जाने वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी। जब मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करूंगा या चेंज इन मोमेंटम की बात करूंगा तो वही कॉन्सेप्ट आएगा, एम वी टू माइनस माइनस एम वी वन। ये माइनस का साइन इसलिए क्योंकि पहली वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और दूसरी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, दोनों कोई डायरेक्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं नहीं समझता आप कुछ बचा, यहां पे देखिए ये हो गया एम वी कॉस सॉरी साइन 45 माइनस माइनस प्लस एम वी साइन 45। अब ये एम वी मोमेंटम है आपको पहले दे रखा है, जिसमें एम आपने थोड़ी देर के लिए वन कंसीडर किया था तो जरूरत ही नहीं थी। आप इसको लिख सकते हो टू एम वी साइन 45 या लिख सकते हो टू पी साइन 45। अब देखो जितना एलोबरेट करके आपको मैंने समझाया है, हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगा हो, लेकिन एलोबरेट करके समझने का फायदा यह है कि किसी भी सिचुएशन में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको पढ़ सकते हो। जहां तक इस क्वेश्चन को आसान बनाने वाली बात है, कुछ नहीं करना, आपने सिंपल सा ये बात ध्यान रखनी है कि जो नीचे की तरफ वाले कंपोनेंट है उनमें कभी कोई चेंज नहीं आता, इसलिए यहां तो कोई चेंज होगा ही नहीं। ये वाले कंपोनेंट जो एक दूसरे के आमने सामने वाले हैं इनमें चेंज आता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, दैट इज 2p sin 45 इस पर्टिकुलर केस के लिए। अगर ये एंगल 30 डिग्री होता तो साइन 30, अगर ये एंगल 60 होता तो साइन 60। सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। मास हमारा चेंज होता नहीं है तो आप इसको एम वी साइन 45 लिखो या मोमेंटम साइन 45 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ऑफ मास तो हमारा तभी चेंज होगा जब कोई बॉल टकराने के बाद टूट जाएगी, तो टूटने का केस यहां पे है नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था, आप लोग समझ लीजिएगा। और एक बात अगेन समझिएगा, फिजिक्स में कंटिन्यूटी मस्ट है। अगर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं आता, आपको साइन 45 की वैल्यू नहीं पता, तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि पहले आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को अच्छे से कर लें, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को करें। पहला क्वेश्चन कंपेरेटिवली आसान था, दूसरे में दूसरा कॉन्सेप्ट फिर हमने यूज किया है, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, फिर समझ लीजिए। अगर मैं दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करता हूं तो दोनों ही क्वेश्चंस में यहां इक्वेशन ऑफ मोशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जरूरत मुझे थी और यहां पर मुझे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जरूरत थी। पीछे जो भी हमने पढ़ा है, धीमे धीमे करके उन सारी चीजों की जरूरत अब हम लोगों को पड़ेगी, उनके बिना आगे की फिजिक्स को हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये आप देख लीजिए फिगर, P मोमेंटम का
एक कंपोनेंट ये हो गया पी साइन 45, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया पी साइन 45, जो चेंज वाला है पी कॉस 45, पी कॉस 45। अब देखिए इस फिगर में और क्वेश्चन में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, वो समझ लीजिए क्या डिस्क्रिपेंसी है। यहां उसने क्लियर कहा है अगेंस्ट द वॉल एट एन एंगल 45। तो देखिए 45 एंगल जो है हमने अपने डायग्राम में यहां पे दे रखा था, इस जगह पे दे रखा था जो सही था, ये यहां 45 फिगर के अंदर गलत दे रखा है। ये 45 डिग्री का एंगल नॉर्मल टू वॉल के साथ है, ये जो ओसी है ये नॉर्मल टू वॉल है। मैंने क्वेश्चन को डिस्कस करते समय ही आप लोगों से शेयर किया था, बताया था आपको कि बच्चों आपको क्वेश्चन दोनों ही तरीके से मिलता है। कई बार वो दीवार के साथ ये वाला एंगल देता है, कई बार नॉर्मल टू दीवार ये वाला एंगल आपको देता है। तो ध्यान रहे इस क्वेश्चन में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा? कि 45 वो यहां देता तब भी 45 यहां पे बचता, लेकिन अगर गलती से यहां 30 देता तो फिर 60 बचता, उस केस में डिफरेंस आ जाता। तो डियर बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसने एंगल कहां से दिया है। अगर दीवार से दिया है तो इसको कंसिडर करना है, और अगर नॉर्मल टू सरफेस के साथ दिया है तो इस वाले एंगल को कंसिडर करना है, उसी के अकॉर्डिंग रिजोल्यूशन करना है। अगर आप यहां पे 45 डिग्री एंगल कंसिडर करते हो तो ये वाले कंपोनेंट हमारे दोनों फिर कॉस कंपोनेंट्स हो जाते हैं और ये वाले साइन कंपोनेंट हो जाते हैं। अगर 45 आप यहां कंसिडर करते हो तो ये वाले कंपोनेंट कॉस हो जाते हैं और ये वाले साइन हो जाते हैं। तो इसमें जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करोगे, उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से आपको जितना ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप लोगों की जेईई मेंस एज वेल एज नीट की तैयारी होती चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास मैं यही ओवर करूंगा। कुछ न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट की फॉर्म में और दे रखे हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाएंगे, आगे की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।